इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इमराल्ड सॉफ्टवेयर में आइटम्स की एंट्री कैसे करनी है। इमराल्ड सॉफ्टवेयर जो कि शटरिंग स्टोर में सारे हिसाब किताब को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसमें हमारे पास कई तरह की आइटम्स होती हैं, जैसे प्लेट्स, स्पोर्ट, बल्ली, चाली, लेजर, फट्टी, पाइप्स वगैरह। शटरिंग स्टोर वाले इन आइटम्स को अपने कस्टमर को रेंट बेसिस पे देते हैं। कस्टमर जितने दिन के लिए उन आइटम्स को यूज़ करता है उसे उतने दिन का रेंट देना होता है। एक शटरिंग स्टोर में सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है रेंट का बिल जनरेट करने की, बिकॉज हर आइटम का रेंट अलग अलग है, हर पार्टी के साथ अलग अलग तरह की रेंट सेटिंग है, और कभी कस्टमर को सामान चला जाता है, कभी वापस आ जाता है। तो कौन कौन सी आइटम कस्टमर ने कितने दिन के लिए यूज़ करी, मैनुअली उसका बिल बनाना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और साथ ही साथ इसमें गलती होने की संभावना भी रहती है। सेकेंडली, एक शटरिंग स्टोर बिजनेस में स्टॉक की काउंटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। मीन्स अगर आपका स्टॉक खराब हो गया या गुम हो गया और इसका आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है तो आपका रेंट का तो नुकसान होगा ही, साथ ही साथ जो आपकी इतनी कॉस्टली आइटम्स हैं उनका भी नुकसान होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपने अपने शटरिंग स्टोर के नाम पे कंपनी कैसे क्रिएट करनी है, उसके बाद आइटम कैसे क्रिएट करनी है। इसमें तो सॉफ्टवेयर को मैंने पहले से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रखा हुआ है, इसका एक शॉर्टकट यहाँ डेस्कटॉप पे रखा हुआ है मैंने, इसको हम डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपने शटरिंग स्टोर के नाम पे एक कंपनी क्रिएट कर लेनी है। इसके लिए आपने क्रिएट अ न्यू कंपनी पे क्लिक करना है। तो यहाँ कंपनी नेम में आप अपने शटरिंग स्टोर का नाम दे दोगे, एग्जांपल के लिए यहाँ मैं दे रही हूँ आर के शटरिंग स्टोर। यहाँ एंटर प्रेस करेंगे हम, एंटर की को यूज़ करना है आगे जाने के लिए। यहाँ पे आपने एड्रेस देना है अपने शटरिंग स्टोर का, यहाँ सिटी आ जाएगी। यहाँ मैं आपको मेन जो भी इन्फॉर्मेशन है वो फिल करके दिखा रही हूँ अभी। सिटी डाल देंगे, यहाँ मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी वगैरह, वेबसाइट अगर है तो डाल सकते हो। यहाँ पर अगर आपके पास GST नंबर है तो यहाँ पे डालना ज़रूरी होता है, एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ GST नंबर। GST नंबर जो होता है वो 15 करेक्टर का होता है, तो यहाँ पे हमने GST नंबर दे दिया है एग्ज़ाम्पल के लिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने फिल करके आपने यहाँ सेव पे क्लिक करना है, क्योंकि जो भी आप यहाँ पे फिल करोगे, आप जब बिल प्रिंट करोगे उस पर ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रिंट होगी। इसको अभी हम सेव कर देते हैं, ओके करेंगे। यहाँ हम एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, ऐड पे क्लिक करेंगे या एंटर प्रेस कर देंगे। अभी हम यूज़र नेम एग्जांपल के लिए 1 ले लेते हैं, यहाँ 1 डालेंगे, पासवर्ड 1, कंफर्म करेंगे पासवर्ड, सेव कर देंगे एंटर करते हुए, इसको ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए एडमिन यूज़र जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट बनता है सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे यूज़र 1 जो है अभी हमने क्रिएट किया है, तो किसी के थ्रू भी हम लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे 1 से लॉगिन कर रहे हैं, पासवर्ड 1 देंगे इसका। इस तरह से आपने लॉगिन कर लेना है सॉफ्टवेयर में। तो अभी हम यहाँ पे सबसे पहले आइटम क्रिएट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें आइटम क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए आपने मास्टर्स में आना है, मास्टर में आके आइटम पर क्लिक करोगे आप। यहाँ पे हम एंटर प्रेस कर देंगे या फिर ऐड पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ आइटम नेम दे देते हैं हम, सबसे पहले हम MS प्लेट नाम की आइटम बना लेते हैं यहाँ पे। एंटर करेंगे, आइटम का नेम आप अपनी लैंग्वेज में भी यहाँ पे डाल सकते हो। इसकी सेटिंग होती है, वो सेटिंग हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे, तो फिलहाल हम इसे छोड़ देते हैं। एंटर करते हुए हम नेक्स्ट फील्ड पे आएंगे, यहाँ है लेंथ मीटर। अगर कोई आइटम जो है वो लेंथ रनिंग मीटर में है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो उसको।
मीन्स किसी आइटम का अगर रेंट जो है आपने पर मीटर लगाना है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो कितनी लेंथ है आइटम की। फिलहाल के लिए इसे हम छोड़ रहे हैं, इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम सीधा रेंट डाल देंगे कि एमएस प्लेट का जो रेंट है पर डे पर पीस हमने कितना लेना है रेट डाल देंगे। मान लीजिए यहाँ पे 1 रुपीज़ लेना है हमने पर पीस के हिसाब से, यहाँ पर पीस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एमएस प्लेट का जो रेंट है एक पीस का 1 दिन के लिए 1 रुपया है, तो इसको एंटर करते हुए हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आप इस आइटम का साइज़ मेंशन कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे इस साइज़ की आइटम का जो भी स्टॉक है हमारे पास वो डाल देंगे। मान लीजिए 200 है हमारे पास इसका स्टॉक, यहाँ पे हम और साइज़ डाल देंगे, एंटर करेंगे। यहाँ इसका कितना स्टॉक है हमारे पास वो डाल देंगे। इस तरह से इस आइटम का जो जो भी साइज़ है यहाँ पे डाल दोगे और कितना उसका स्टॉक है यहाँ पे डालते जाओगे। इसके बाद आपने सेव कर देना है इसको, सेव पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी एक आइटम जो है वो ऐड हो चुकी है। अभी हम नेक्स्ट आइटम बना लेते हैं, यहाँ एंटर प्रेस करेंगे या फिर ऐड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे हम नेक्स्ट आइटम का नाम दे देंगे। एंटर करेंगे, अगर लेंथ मीटर में है तो डाल सकते हो, अदरवाइज आगे जाएंगे हम यहाँ रेंट डाल देंगे कितना है इसका। 1 डालेंगे, 1 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से लेना है पर डे। तो आगे हम साइज़ पे आ गए हैं एंटर करते हुए, यहाँ पे हम साइज़ दे देंगे जो जो भी साइज़ होता है आइटम का। 6 फीट आ गया, इसका कितना स्टॉक है एंटर करेंगे। यहाँ 7 फीट दे देते हैं, इसका 200 स्टॉक है हमारे पास, यहाँ 8 फीट। तो इस आइटम के जितने भी साइज़ होंगे आप इस तरह से ऐड कर दोगे और साथ में यहाँ पे स्टॉक डाल दोगे कि कितना है इनका। यहाँ पे मान लीजिए 6 फीट से लेकर 8 फीट तक बल्ली का जो रेंट है 1 रुपीज़ है। अगर इससे ज़्यादा साइज़ है बल्ली का, तो मान लीजिए आपने रेंट ज़्यादा लेना है तो उसके लिए अलग से आइटम क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अभी हम इसको सेव कर देते हैं पहले, तो उसके बाद हम एक नई आइटम बनाएंगे। यहाँ पे आइटम डालेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में दे सकते हो बिग, जो बिग साइज़ की बल्ली होती हैं वो डालेंगे। तो यहाँ पे हम उसका रेंट डालेंगे 2 रुपीज़। यहाँ पे बड़े साइज़ की जो बल्ली है उसका रेट पर डे पर पीस 2 रुपीज़ है, तो एंटर करेंगे, यहाँ पे साइज़ दे देंगे। तो यहाँ पे अगर हमने बल्ली के बड़े साइज़ का रेंट ज़्यादा लेना है तो उसके लिए आपने इस तरह से बड़े वाली बल्ली की आइटम अलग से क्रिएट करनी होगी। मीन्स जिस आइटम का रेंट साइज़ के हिसाब से ज़्यादा होता है उसकी आइटम भी अलग से बनती है। तो यहाँ हम साइज़ दे देंगे 9 फीट, इसका स्टॉक डालेंगे। यहाँ पे 10 फीट दे देंगे, इसका स्टॉक कितना है वो डालेंगे। यहाँ 11 फीट बल्ली जो है उसका स्टॉक हमारे पास कितना है। तो इस तरह से जो बड़े वाली बल्ली हैं आपके, उनकी आइटम आपने अलग से क्रिएट कर लेनी है क्योंकि उसका रेंट जो है अलग है। यहाँ पे 2 रुपीज़ ले रहे हैं हम पर पीस पर डे। तो अभी हम इसको सेव कर देंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे एक आइटम और बना लेंगे हम, यहाँ लेजर नाम की एक आइटम बना लेते हैं हम। यहाँ साथ में इसका साइज़ दे देंगे हम 2.250 मीटर, ये मीटर में होता है तो मीटर डाल देंगे साथ में साइज़ का, एंटर करेंगे। यहाँ हम रेंट डालेंगे इसका, मान लीजिए पर डे के हिसाब से इसका 5 रुपीज़ है पर पीस। यहाँ पर पीस सेलेक्ट किया हमने, एंटर करेंगे। यहाँ पे भी हम साइज़ दे देंगे इसका जो भी है। यहाँ पे स्टॉक डाल देंगे हम इसका कितना है, इसको भी सेव कर देंगे, ओके करेंगे। इसी तरह से एक साइज़ और बना लेते हैं लेजर आइटम का, यहाँ पे हम 2.5 मीटर साइज़ बनाएंगे। इसका मान लीजिए हम 6 रुपीज़ रेंट लेते हैं पर पीस पर डे। यहाँ हम साइज़ डाल देंगे, इसका कितना स्टॉक है इस साइज़ का,
वो डालेंगे हम, इसको सेव करेंगे, ओके करेंगे। अभी एक आइटम हम और बना लेते हैं, यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे, आइटम नेम दे देंगे यहाँ पे, पाइप नाम की आइटम बनाएंगे हम। यहाँ पे हम साइज डाल देंगे साथ में 9 मीटर, एंटर करेंगे। देखिए अगर किसी आइटम का जो रेंट है आपने मीटर के हिसाब से पर मीटर आपने लेना है तो यहाँ पे 9 डालेंगे लेंथ इसकी। यहाँ रेंट क्या लगाना है पर मीटर के हिसाब से आपने वो डालेंगे। मान लीजिए 1.25 रुपये आपने इसका रेंट लगाना है पर मीटर। यहाँ पे हमने रनिंग मीटर सेलेक्ट करना है, मीन्स मीटर के हिसाब से 1.25 रुपये लगे, तो एंटर करेंगे यहाँ से आगे। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है सॉफ्टवेयर ने अपने आप, जो भी हमने रेंट दिया है 9 मीटर पाइप का जो बना है रेंट टोटल वो दिखा दिया इसने कैलकुलेट करके। तो अगर मैनुअली इस तरह से करना पड़े तो बहुत ही मुश्किल होता है, तो आपने सिर्फ एंटर प्रेस करना है तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आपको कैलकुलेट करके दे देगा। नेक्स्ट हम साइज पे आ जाएंगे, यहाँ 9 मीटर डालेंगे, इसका स्टॉक जो है वो डाल देंगे, इसे सेव कर देंगे, ओके करेंगे। इसी तरह से एक हम बड़े साइज की पाइप बना लेंगे, यहाँ पे पाइप 10 मीटर। यहाँ जो भी रनिंग मीटर में होती है आइटम यहाँ पे आपने डाल देना है, जो भी मीटर है 10 डालेंगे यहाँ पे। रेंट कितना लगाना है इसका, मान लीजिए 1.50 रुपये आपने लगाना है इसका रेंट जो है। यहाँ पे आप पर रनिंग मीटर ही सिलेक्ट करोगे अगर पर मीटर आपने रेंट लगाना है आइटम का। देखिए यहाँ पे भी अपने आप कैलकुलेट कर दिया है सॉफ्टवेयर ने, तो यहाँ साइज दे देंगे, स्टॉक कितना है वो डालेंगे हम, सेव कर देंगे इसको भी, इसे क्लोज करेंगे। तो इस तरह से जितनी भी आपकी आइटम्स होंगी आपने क्रिएट कर लेनी है। इसके बाद मान लीजिए कभी आपको ज़रूरत पड़े किसी आइटम में आपने कुछ चेंज करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ फिर से आप मास्टर में आके आइटम पे क्लिक करोगे, यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, यहाँ राइट साइड में भी आपको शॉर्टकट दिए गए हैं, यहाँ भी आप आइटम ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ अगर नई आइटम हमने ऐड करनी होती है तो ऐड पे क्लिक करते हैं, तो अभी मान लीजिए आपने लिस्ट निकालनी है, जो भी हमने आइटम अभी ऐड की है सॉफ्टवेयर में उनकी लिस्ट बन चुकी है, तो उसके लिए हमने यहाँ लिस्ट पे क्लिक करना है। देखिए जो भी हमने आइटम्स बनाई थी उनकी लिस्ट बन चुकी है यहाँ पे। अगर मान लीजिए किसी आइटम में आपने कुछ चेंज करना है तो उसको आपने डबल क्लिक करना है, मान लीजिए MS प्लेट में कुछ चेंज करना है आपने तो इसको आपने डबल क्लिक करना है, तो डबल क्लिक करते ही यहाँ पे एडिट हो जाएगी जो आइटम है। तो सपोज़ जहाँ पे आपने इसका रेट चेंज करना है तो 1 रुपीज़ की जगह पे मान लीजिए आपने 2 रुपीज़ करना है यहाँ पर पीस, तो इस तरह से एंटर करते हुए चेंज कर देंगे जो भी चेंज करना है आपने, उसके बाद अपडेट कर दोगे इसको, यहाँ पे ओके कर देंगे। तो इस तरह से जो भी चेंज करना है आप तो यहाँ पे कर सकते हो। अगर मान लीजिए इन केस किसी आइटम को आपने डिलीट करना है अगर ज़रूरत पड़े तो उसको आपने डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे डिलीट की ऑप्शन दी गई है आपको, तो डिलीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा कि आप श्योर हो कि आपने डिलीट करनी है आइटम, तो यस कर दोगे अगर आपने डिलीट करनी है तो, यहाँ पे ओके कर देंगे। इस तरह से जो आइटम है डिलीट हो जाएगी, इसे क्लोज कर देते हैं अभी। तो अभी हमने आपको बताया है कि इमरॉल सॉफ्टवेयर में आपने आइटम्स को कैसे ऐड करना है और कैसे एडिट करना है, अपडेट कैसे कर सकते हो उसको। इसके रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक यू।